जय श्री राम मेरे सब भाइयों को। तो कहते आप सब लोग स्वागत है एक और नई वीडियो में। दो तो दिवाली की पहली वीडियो मैंने एक आपको बना के दे दी है, लेकिन आज मैं कुछ ऐसी और चीज़ें दिखाऊंगा जो हमारी अब दिवाली की मतलब अब शुरू होनी है। दिवाली तक ये चीज़ बिकनी ही बिकनी है और लगातार बिकेगी और अच्छी क्वान्टिटी में बिकेगी। अगर आपके पास ये आइटम नहीं है ना तो भैया आपकी दुकानदारी में मैं कह रहा हूँ दुकान में जितना मर्जी माल भराओ अपने, आपकी दुकान नहीं चलेगी। क्योंकि आइटम सबसे मेन है, अगर मेन आइटम हमारी दुकान पर नहीं है तो बेकार हमारी दुकानदारी करना, फिर कस्टमर हमारा वापस ही जाएगा। तो आज जो आइटम है ना उसमें देखो कुछ आइटम होती है जो पुरानी मेरे को ऐड करनी पड़ती है, क्योंकि नए बंदे होते हैं जो देख रहे होते हैं, जो नए दुकानदार होते हैं, और पुरानी भी ऐड करनी पड़ती है मेरे को। मतलब हर आइटम मिला के ही मैं आपको वीडियो बना के दिखाता हूँ, थोड़ी थोड़ी अलग अलग दिखाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगी कई बंदों को। तो इसलिए सारी मैं डिटेल में वीडियो दिखाता हूँ आपको। कुछ आइटम पुरानी भी हो सकती है इसमें, तो ऐसा ना माइंड ना करना कि सोचो कि पुरानी आइटम भर रहा हूँ, क्योंकि सारी एक मैं सोचता हूँ डिटेल में लिस्ट बना दूँ तो ज़्यादा बेटर रहता है, उसमें आपको पता भी रहेगा, माइंड में रहेगा हाँ यार ये चीज़ तो मेरी रह गई थी जो पिछली बार भैया ने बताई थी। तो इसलिए मैं रिमाइंड कराने के लिए भी थोड़ी पुरानी चीज़ें डालता हूँ उसमें जो जरूरी होती है। तो दोस्तों स्टार्ट करने वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाल बटन काला बटन जो भी आ रहा हो वो दबा के, और वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना मेरी वीडियो को, जिससे कि आगे मेरी वीडियो पहुंच पाए और भी जो नए भाई बहन मेरी वो दुकान खोलना चाह रहे हैं। क्योंकि वीडियो बड़ी जल्दी में बना रहा हूँ, टाइम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सामान भरना पड़ता है, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो अब टाइम निकाल के वीडियो बना रहा हूँ, जैसे मेरी वीडियो देखो ये सामान लिया ना, फिर बाद में मत कहना भैया लेट वीडियो बनाई कुछ भी, सामान लिया ना बस, वीडियो में जल्दी अपलोड कर दूँ जब भी होगी दुकान में जिस हिसाब से भी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले आएगा अपना क्राफ्ट पेपर। अब आप कहोगे क्राफ्ट पेपर क्या है, किसी को पता है किसी को नहीं पता। देखो A4 पेपर को ही क्राफ्ट पेपर बोलते हैं, क्राफ्ट मतलब जो आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ों में यूज होने वाला पेपर। तो इसके कई नाम होते हैं, अगर आप नेट पर सर्च मारोगे इसके दसियों ही नाम निकल आएंगे A4 पेपर के, जो कलर पेपर हमारा A4 वाला होता है तो इसको क्राफ्ट पेपर बोलते हैं। इसके आपके पास हर कलर होना चाहिए, डबल डबल, कोई कोई पांच ले जाएगा जैसे रेड कलर का, आप कोई पांच ले जाएगा, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना होता है तो आपको इसकी क्वांटिटी अच्छी रखनी पड़ेगी। कोई कोई मिक्स कलर वाला भी पैकेट ले जाएगा, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था। और ऐसे ही ग्लिटर शीट है, अब जो दिवाली का सीजन है इसमें गोल्डन और सिल्वर कलर सबसे ज़्यादा चलता है, ग्लिटर का, रेड ग्रीन भी चलता है कि गोल्डन और सिल्वर सबसे ज़्यादा चलता है। तो इसके मिक्स पैकेट भी चलते हैं, कोई को पूरा बंडल लिया था 10 पीस का कि भैया कितने का पड़ेगा, वो मैं 90 रुपये का बेचता हूँ, वो सोचते हैं 10 रुपये तो कम हुए पैकेट में, क्योंकि उन्हें पता दिवाली तक अच्छा सेल होगा, क्योंकि अच्छी मतलब थोड़ी यूज़ में आएगी स्कूलों में। तो कई स्कूल में पूरा पैकेट मंगाते हैं A4 का, क्राफ्ट पेपर का भी और ग्लिटर का भी। तो इसके मिक्स कलर भी रखने हैं, मैं देखो पीछे सारा मेरे पे माल ये पड़ा है, देखो ये ग्लिटर वाले सिंगल भी है, इसमें मिक्स कलर भी नीचे पड़े हैं, सारा मैंने भर रखा है, और A4 के भी आगे मैंने रखे हैं। तो इसकी आपको अच्छी रख, देखो 12 महीने चीज बिकने वाली है, ऐसा तो यानी आपकी बॉन्ड हो जाएगी। तो इसकी अच्छी क्वांटिटी हमेशा अपने पास रखो, ग्लिटर की और A4 पेपर की। फिर अगली आइटम आती है हमारी ओरिगेमी शीट। ओरिगेमी शीट एक इसी का ही दूसरा वर्जन है A4 पेपर का, इसमें दो तरीके का आता है, इसको भी लोग ओरिगेमी बोलते हैं, जबकि ओरिगेमी होता है ये वाला, ये देखिए ये होता ओरिगेमी कलर पेपर, ये 20 रुपये का पैकेट सेल होता है, ये देखिए इस तरह का आएगा ओरिगेमी लिखा है इसमें, और इस तरह का ही 20 रुपये सेल का आएगा, ठीक है। फिर ऐसे में ही ये दूसरा आता है 10 रुपये सेल का, ये 10 रुपये सेल का होता है छोटा पेपर। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है ये बता देता हूँ, अब इसमें फ़र्क क्या होता है फ़र्क बता दूँ, ये थोड़ा अच्छी क्वालिटी में होता है ओरिगेमी, जो इस तरह का होता है 20 रुपये सेल वाला, ये हल्का सा मोटा होता है और ये होता है बिल्कुल पतला। अब इसमें बिकेगा कैसे, देखो स्कूलों में जो जाता है वो ओरिगेमी जाता है सबसे ज़्यादा, और कई लोग क्या है बच्चे क्या क्या करते हैं दिवाली के आसपास, जैसे मंदिर के आगे झंडिया नहीं बनाते धागे बांध के झंडिया पेपर, तो वो इसका भी बना लेता है इसके ऐसे करके ना, एक मिनट आपको दिखा देता हूँ, इसको ऐसे कर देते हैं इस तरह से, ऐसे झंडी टाइप का बनता है ना, ऐसा करके कटिंग करते हैं, तो ये इसमें भी बहुत बिकता है ये वाला 10 रुपये सेल वाला, उसमें 20 नहीं बिकता, 20 वाला हमारा स्कूलों के ही काम में जाएगा ये वाला ओरिगेमी, और ये स्कूलों में भी चला जाता है, लेकिन क्या आसपास के बच्चे झंडिया बनाते हैं उसमें और यूज़ होता है, और भी कई चीज़ों में यूज़ होता है। तो रखने आपको 10 वाला और 20 वाला दोनों है। अब ऐसा ना सोचना कि अब जो भी हमारा दिवाली का त्यौहार है फेस्टिवल, उसमें हमारा ग्लिटर और A4 और ओरिगेमी ही चलेगा, इसमें A3 भी हमारा चलता है, कम चलता है इतना नहीं चलता लेकिन चलेगा। A3 में आपको व्हाइट वाला लाना है, इसमें मोटा भी आता है एक आइवरी करके, A4 में और A3 में हमारा आइवरी करके एक पेपर आता है वाइट भी, वो थोड़ा मोटा होता है, वो इसलिए होता है बच्चे को जब पेंट कलर कराता है तो ये पतला पेपर गल जाता है, वो मोटा पेपर एकदम हार्ड रहता है, वो गलता नहीं है, वो इस तरह का होगा, ये देखिए ये पड़ा है आइवरी, इस तरह की इसकी पैकिंग है A3 आइवरी, ये A3 में, A4 में भी ऐसा रहता है, ऊपर से ऐसे ये इसके आइकन है समझ लो, इसका लोगो है, ठीक है। ये आइवरी ये वाले रखना है, एक सिंपल रखना है, और कलर वाले भी रखने हैं A3 के, आपको मिक्स कलर के पैकेट आते हैं, चलता कम है लेकिन आपको रखना पड़ेगा, ज़रूरी चीज़ है ये। अब अगली आइटम देखो, पिछली बार मैंने आपको दिए बताए थे और दिए मैंने कल से काफ़ी बेच चुका हूँ, और भी लाया था मैं इसमें, तो ये दिए काफ़ी बेच चुका हूँ मैं। अब जब दिए लिए तो उन्होंने मेरे से स्टोन्स भी लिए, स्टोन्स भी अच्छी क्वालिटी मिली, अच्छी क्वांटिटी मिली, सॉरी क्वालिटी कह रहा हूँ,
क्योंकि जब दिया ना हो आपके पास तो ये सामान नहीं बिकेगा। मैंने पिछली बार भी कहा था अगर आपके पास दिया है तो ही बच्चा अगली आइटम आपसे लेगा, वरना नहीं लेगा। दिया है तो दिए के साथ वो कलर भी लेगा, कलर या तो 10 वाले या 20 वाले डोम्स के भी लेगा, डोम्स का 20 वाला 10 का ही आता है बिक्री का। उसके साथ आपका ये वाला कलर भी कई लोग बच्चे लेते हैं 25 सेल वाला फैब्रिक वाला जो मैंने आपको बताया। तो दिया नहीं होगा तो बाकी सामान नहीं बिकेगा, तो दिया होना हमारा जरूरी है। तो इसके बाद अगली आइटम आती है हमारी मोमबत्ती की कैंडल। ये कैंडल मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसमें अगर बड़ा आपको और मिले तो वो भी लिया ना, क्योंकि मेरे को यहाँ बड़ा नहीं मिला, जो साइज मिला है मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें पैकेट में दो कैंडल निकलती है और ये 25 MRP है, 25 का ही सेल होता है, 20 का भी सेल कर दो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं 25 का सेल करता हूँ तो 20 का भी कर देता हूँ। अब हमारे यहाँ इससे बड़ी कैंडल नहीं मिल रही है, तो इसमें क्या है ये सजाने के लिए मंगाते हैं बच्चों से स्कूल में ना। अब जब वो कैंडल लेंगे, कैंडल के साथ वो स्टोन्स और भी मोटे स्टोन्स हो गए और ग्लू हो गई, कलर हो गए, कई चीज़ें वो लेके जाते हैं जो स्कूल में मंगाते हैं। तो ये वाली मोमबत्ती मेरे को मिली है, लेकिन इससे बड़ी अगर आपको मिले, अगर पैसों का कोई चक्कर नहीं है इसमें, आप सोचो कि मेरी 20 वाली नहीं बिकेगी, 30 वाली नहीं बिकेगी मोमबत्ती, जो बड़ी मोमबत्ती है ना मोटी 30 रुपए वाली, 20 वाली, 40 वाली, वो भी बिक जाती हैं। तो मेरे को यही मिली तो मैं यही बेच रहा हूँ। पिछले साल भी मेरे को यही मिली थी, इस तरह की मोमबत्ती दो पीस आते हैं इसमें, तो मेरे को पिछले साल भी यही मिली थी, यही बेची थी। इससे मोटी मोमबत्ती यहाँ मेरे को मिलती नहीं है, तो आपको इससे बड़ी मोमबत्ती मिली ना तो आपकी दुकान फेमस हो जाएगी, क्योंकि हर जगह मोटी मोमबत्ती नहीं मिलती, कोई मार्केट नहीं आता है मोमबत्ती के लिए, कैंडल के लिए। तो आपको बड़ी मोमबत्ती ला के रखोगे आपकी दुकान फेमस हो जाएगी, क्योंकि हर जगह मिलती नहीं, लोग कहेंगे भैया वहाँ चले जाओ उसकी दुकान पर मिलेगी, टाइम लगता है। लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपकी दुकान भी फेमस होती है और कस्टमर भी आएगा। तो कैंडल आपको बड़े वाली लेके आनी है। अगली आइटम हमारी बैम्बू स्टिक, मैंने आपको दिखा रखी है बैम्बू स्टिक। ये मैंने आपको कहा था सीजन में जब स्टार्ट होगी तो पूरे सीजन चलेगी, तो 10 रुपये का ये सेल होता है बैम्बू स्टिक का। अब ये ना पूछना किस काम आते हैं, बहुत काम आता है, कई चीज़ों के काम में आता है, स्कूल वाले मंगाते हैं बाकी उनको ही पता है। और इसमें एक छोटा वाला भी आता है इस तरह का, ये 5 रुपये का पैकेट सेल होता है ये वाला, ये 5 रुपये का सेल होगा आपका, ठीक है। ये छोटी वाली बैम्बू स्टिक है, लेकिन 90% बड़े वाली बिकती है। फिर आइसक्रीम स्टिक आपको दिखा रखी है मैंने, आइसक्रीम स्टिक अलग अलग इसमें बिकती है, जिसको ज़्यादा चाहिए तो वो इस तरह का पैकेट लेगा, इस तरह का। ये कलर में बड़ी है, ब्लैक एंड वाइट, वो वाइट में बड़ी है, ये 70 रुपये सेल में है। इसमें से छोटी भी है मेरे पास कलर में भी और वाइट में भी, ये 40 रुपये सेल की है, ये भी आपकी बिकेंगी। फिर मैंने पिछली बार एक बात और रिपीट कर रहा हूँ आपको, बताया था कि इसका आप अच्छा स्टॉक रखना मोल्डेड क्ले का, इसका ये अच्छा खासा बिकेगा। कल में मैंने दो डिब्बे ख़त्म किए हैं, तीसरा मैं लेके आऊँ, तीसरा ये पड़ा है, मेरे को एक डिब्बा मिला था अभी, ये लेके आऊँ मैं, क्योंकि मुझे कल में मेरा बहुत बिका, अभी दिवाली तक बिकेगा, अभी और लेके आऊँगा मैं पूरा डिब्बा, वो भी पड़ा, ये पड़ा और दो चार पीस अलग और भी कहीं पड़ोंगे। तो मोल्डेड क्ले ये मैंने आपको बताया था, इसके साथ कलर आपके बिकेंगे कौन से, ये वाले जो फैब्रिक कलर मैं आपको बार बार बताता हूँ, ये वाले, ये कलर आम रूटीन में भी बहुत सारे बिकते हैं, ये जैसे पेंटिंग का शो, इसमें मेरे पे हर तरह के कलर पड़े हैं, देखिए हर तरह के कलर पड़े हैं इन डिब्बों में। ये 25 रुपये MRP है, 25 रुपये का ही ये सेल होगा। अब क्या है इसमें, ये इसके कलर करने काम आते हैं, जब मोल्डेड क्ले होती क्या है ये वाली, इसको और भी कई नाम से कहते हैं। अब एयर क्ले भी जाती है, ऐसे नहीं मोल्डेड जाएगी, एयर क्ले भी जाती है, ये होती है सुपर क्ले और एयर क्ले दोनों बोलते हैं, उसे सुपर क्ले ज़्यादा बोलते हैं, एयर क्ले भी बोलते हैं, ये भी जाती है स्कूलों में और ये भी जाएगी। इसमें क्या है, इसे एक बार जब इसका कोई आकार बन जाएगा ना, मतलब जब इसे वन टाइम यूज़ होती है, एक बार यूज़ होने के बाद ये हार्ड हो जाएगी, इसके बाद यही एक सिंगल क्ले ऐसे है जिसके ऊपर हम पेंटिंग कर सकते हैं। तो बच्चे ये लेके जाते हैं, ये वाला कलर मंगाते हैं, तो ये वाला या इस तरह का ज़्यादा ये भी ले जाते हैं। तो दिया बनवाते हैं, जैसे दिए का कंपटीशन होता है स्कूल में दिया बनाना है, तो दिया इस वह उसका बनेगा मोल्डेड क्ले का, फिर वो पेंट होगा, फिर उसके बाद ये स्टोन से लगेंगे, इस तरह के ये स्टोन से लगेंगे। तो ये चीज़ अगर आपके पास एक चीज़ भी नहीं है तो दूसरी चीज़ नहीं बिकेगी, हर एक चीज़ के साथ एक चीज़ जुड़ी है, कस्टमर वहीं सामान लेगा जहाँ उसे सारी आइटम मिलेगी। तो आपको मोल्डेड क्ले का भी लेकर रखना है अच्छा खासा स्टॉक, कई बार बच्चे तो मेरे से चार चार भी ले गया, कोई दो दो ले गया, कोई एक ले गया, तो अच्छा खासा सेल होता है, ये ला के रखना। मैं पहले ही बता चुका हूँ लेकिन फिर रिपीट किया आपको, ये लाना है। अब बच्चे एक चीज़ और मांगेंगे, जब वो आपसे ये सामान लेंगे तो वो कहेंगे मैं 3D आउटलाइनर दे दो। आप क्या करोगे, क्या चीज़ है 3D आउटलाइनर, जो बहुत ही मतलब सिर्फ दिवाली के टाइम पे बिकती है लेकिन अच्छी बिकती है, और वो लानी कौन से कलर की है, क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अब 3D आउटलाइनर होता है, वो होता है ये देखिए, समझो कि इस कंपनी के कलर भी आते हैं ये वाले, ये आते हैं उसी कंपनी के 3D आउटलाइनर होता है। इसमें क्या करना है आपने, ये लाना है, इसमें सिल्वर गोल्डन कलर के आते हैं लेकिन आपको लाना है जिससे ये मिक्स कलर है, ये देखिए आपको ये लाल लाल सा सारे मिक्स कलर दिख रहे होंगे अंदर चमकते हुए, देखिए ये मिक्स कलर वाला लाना है, देखिए इसको कहते हैं 3D आउटलाइनर ग्लिटर, ये देखिए लिखा है ना, ये जो मैं दिखा रहा हूँ देख लीजिए, मैं रोक के रखा है कि आप आराम से देख ले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, कोई दुकान होलसेलर को भी पता होता वो कन्फ्यूज़न हो जाती, देखिए फैब्रिक का है
3D आउटलाइनर ग्लिटर, इसका MRP है, इसका MRP है 25 रुपये। देखिए 25 रुपये MRP है, 25 का ही बिकेगा। छोटी चीज़ें जितनी भी है आपको MRP पे ही बेचनी है, ऐसा नहीं है कि 25 है तो कस्टमर आपको 20 रुपये दे देगा, ये 25 रुपये का ही सेल होगा। कोई दो ले जाएगा, कोई एक ले जाएगा, सबका अपना अपना हिसाब है। तो 3D आउटलाइनर ला के रखना, हमेशा भी ला के रखिए, ये दिवाली के टाइम पर ज़्यादा बिकने वाली चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और फेविकोल का आपको बता रखा है, फेविकोल का स्टॉक फिलहाल रखना है आपने, बस वाली वो 20 वाली, बस वाली कह रहा हूँ सॉरी, 20 वाली कैमलिन की बहुत बिकती है, और 10 वाली हमारी फेविकोल बिकेगी, और 5 वाली भी। तो 10 और 20 वाली का स्टॉक रखना, कहेंगे बच्चे बड़ी भी ले आते हैं बड़े वाली फेविकोल, जो 65 MRP की होती है, 60 की बिकती है, ये भी बिकती है, लेकिन आपको इसका स्टॉक रखना है। स्टॉक इसलिए कह रहा हूँ, ये क्या करते हैं आजकल स्कूलों में, अब वो होंगे कॉम्पिटिशन, अब उसमें फेविकोल मंगाते हैं, तो एक एक बंदा दो दो तीन तीन ले आता है कई बार, क्योंकि एक के दो बच्चे हो, किसी के तीन है, सबके कंपटीशन चलते हैं, तो इसलिए ये 20-20 वाली 10-10 वाली लेते हैं, 2-3-4 ऐसे लेके जाते हैं, और ऐसे ही स्टोन्स होते हैं, क्योंकि क्या करते हैं दोनों बच्चों का अलग अलग कोर्स होता है, अलग अलग लेते हैं, भैया इसके लिए अलग, उसके लिए अलग, पन्नी बना दो, वो कोर्स दिखाते हैं, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। ये स्टोन्स इस तरह के गोल्डन बहुत चलेंगे ऐसे में, गोल्डन और इस तरह के हो गए कलरफुल, मतलब बढ़िया स्टोन, मोटे भी चलते हैं इसमें, ऐसे में अच्छे बिकेंगे। और इस तरह के मोती भी, गोल्डन मोती हो गए, इसमें सिल्वर मोती हो गए, ये मल्टी कलर मोती हो गए, ये सब बिकता है इसमें, अच्छा खासा बिकेगा, ये सब चीज़ें ला के रखनी है। अब कई लोग सस्ते के चक्कर में ये गम भी खरीदते हैं, ये वाली, तो ये भी 10 वाली और 5 वाली दोनों बिकती हैं, क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि 20 वाली वो फेविकोल है, तो 10 वाली ये बहुत बड़ी है, तो ये लेके ये ले लो, तो ये भी अच्छी बिकती है। कई बच्चे आते हैं कहते हैं भैया हमें ऐसी घंटियाँ चाहिए, कहीं से ला दो ऐसी घंटियाँ चाहिए, इसमें छोटी बड़ी कोई भी साइज हो, ये घंटियाँ चाहिए, वो बड़े परेशान होते हैं। क्यों, मैंने दिवाली का एक टाइम ऐसा बताया जिसमें हमारा एंड वो आर्ट एंड क्राफ्ट का काम बहुत चलता है, और इसमें हमारे गोल्डन कलर की चीज़ें, चमकीली चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती हैं, तो उसके लिए भी ये घंटियाँ आती हैं। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए मैं पिछली दिवाली पर भी लाया था बेचने के लिए, इस दीपावली पर भी लाऊँ, अभी दिखाता हूँ आपको इसमें, ये देखिए। अब ये घंटी है, ये हर कोई यहाँ रखता नहीं, ये मैं सिर्फ हूँ जो छोटी छोटी आइटम पे भी अपना ध्यान देता हूँ, जैसे दिए हो गई, मोमबत्तियाँ होगी बड़ी वाली, इस तरह की घंटियाँ होगी, ये मैं बड़ा ध्यान रखता हूँ इन चीज़ों का, क्योंकि लोगों को पता लगता है ना कि हाँ ये चीज़ उन्हीं की दुकान में मिलती है। बार बार कहता हूँ हमारी दुकान होती है अलग अलग कुछ चीज़ों से फेमस होती है, नॉर्मल तो हर कोई लेके बैठा है, लेकिन मैं बताता हूँ जो अलग अलग चीज़ें होती है, हर कोई नहीं रखता। तो ये वाली आप चाहे 5 रुपये की सेल करो, चाहे 3 रुपये की करो, चाहे 4 रुपये की करो, ये वाली घंटी तो मैं 5 रुपये की एक सेल कर सकता हूँ, 3 की 4 की, वो मेरी मर्जी है, इसका कोई रेट नहीं होता, अपनी मर्जी से आप सेल कर सकते हो, छोटी बड़ी होती है। तो दिवाली पे ये घंटियाँ भी चलेगी, ये लटकन बनाने के काम आती है, स्कूल में कॉम्पिटिशन होते हैं झालर बनाने के, तो उसमें भी चलती है ये, तो ये घंटियाँ जरूर लाना अगर आपको मिल जाए तो। ये मिलेगी जो अपना सामान बेचते हैं लेडीज़ का, जैसे लेस हो गई, बटन हो गए, सुई धागे हो गए, इस तरह का जो होलसेलर होता है उससे मिलेंगी ये चीज़ें आपको। अब पिछली बार के मेरे पास पड़े थे वो ख़त्म हो गए, तो मेरे पे कल लेडीज़ आई, भैया ये आपके पास पिछली बार हम लेके थे तो मेरे पे ख़त्म थे, आज फिर लाया, उन्हें आज का टाइम दिया है, तो वो क्योंकि बनाने में टाइम लगता है इन चीज़ों को, तो 2-3 दिन का टाइम होता है, वो सामान इकट्ठा करते हैं, तो ऐसी घंटियाँ वंटियाँ ये ला कर रखे, इसके साथ आपके स्टोन्स वगैरह भी बिकेंगे, धागे वाले स्टोन्स होते हैं मोटे मोटे जो भी मैंने आपको दिखाए थे वो भी बिकेंगे, तो ये घंटियाँ भी ला कर रखनी है आपने। फिर आपको ग्लिटर पाउडर जो मैं हर बार दिखाता हूँ, देखिए इसमें दो कलर आपको दिखा रखे। अब इसमें एक चीज़ और बता दूँ, ये वाला 5 का या आप 10 का बेच सकते हो आराम से 10 का, ये देखिए जो है ना, इन दोनों में डिफरेंस देखिए, या 5 का बेचिए या आप 10 का बेचिए। ये देखिए मेरे पे पुराना माल पड़ा था जो मैंने 5 रुपये में निकाला है, उसमें शीशा कुछ टूटी हुई थी, लेकिन अब जो नया माल है मैं 10 रुपये का बेचता हूँ। ये वाला जो होता है, जो देखिए इसके कलर थोड़े वो मान लो पेस्टल मान के चल लो, थोड़े लाइट कलर होते हैं, ये 5 रुपये का सेल होगा, क्योंकि ये थोड़ा सस्ता होता है, थोड़ा महंगा होगा, ये 10 रुपये का सेल होगा। तो ये वाले ग्लिटर पाउडर आपने ला के रखने हैं, ये भी बिकेंगे अच्छे खासे, दिवाली तक ये चीज़ें बिकनी है हमारी। एक चीज़ में भी हमने डील नहीं बरतनी कि नाला है, ये लानी है, और ये भी बिकेगा आपका। एक ये भी आता है ग्लिटर, जैसे मैंने एक आउटलाइनर ग्लिटर भी आपको दिखाया था, एक ये आता है डोम्स का, ये ग्लिटर होता है, ये भी ये ग्लू वाला होता है एक तरीके, चिपकने वाला ग्लिटर, ये पूरा पैकेट बिकता है 35 का, लेकिन बिकता बहुत कम है, ये आइटमें बहुत कम बिकते हैं, लेकिन हमें अपनी स्टेशनरी दुकान पर रखनी पड़ेगी, नहीं होगी तो कस्टमर टूट जाता है, वो जाता है वहाँ पर जहाँ ये चीज़ें मिलती हैं, ये चीज़ें ला के रखनी हमें, और प्रिंट रेट पे ही बिकती हैं ये। फिर मैंने आपको बता रखा शुभ दीपावली वाले, ये वाले स्टिकर जो छोटे साइज के होते हैं, देखिए ये पैर बने हैं, ये दिए बने हैं, ये ओम बना है, इस तरह के छोटे, ये 10 रुपये सेल में भी आते हैं, 5 में आते हैं, उससे बड़े भी आते हैं, इस तरह के छोटे वाले ज़्यादा चलते हैं, देखिए पत्ते में इस तरह के, ये आपको लाने हैं पूरे पत्ते, इसमें 2-3 पत्ते लिया ना अलग अलग तरीके के, ये सब चलेंगे। ये देखिए कलश बने हुए हैं इसमें, ये अलग कलर का कलश है, अलग कलर के माता के पैर है इस तरह के, और ये शुभ लाभ लिखा है इस तरह का, ये है हमारे, तो ये इस तरह का होता है, ये दिवाली पे बहुत चलेगा। और आज देख रहे हो तो आज ही लिया ना, इस तरह के दिए वाले भी लाने हैं आपने, ये देखिए दिए वाले, ये हो गए पूरे पूरे पत्ते भी जाते हैं, ये बड़े वाला ऐसा होता है शुभ लाभ वगैरह, इस तरह के भी आते हैं, मतलब ये सब चीज़ें आपको मिला के लानी है।
तभी आपका सामान पूरा होगा दिवाली का बिकने वाला। फिर ऐसे वाले ग्लिटर में स्टिकर्स काफ़ी आते हैं, तो सजाने के लिए वो ऐसी चीज़ें भी लेते हैं, बटरफ्लाई बनाया है या हार्ट बनाया है, कई चीज़ें आपको पिछली वीडियो में बनाई थी मैंने, ये चीज़ें भी हमारी चलेंगी। इसमें कई डिज़ाइन आएंगे, ऐसे नहीं यही लाओ आप, जो आपको पसंद है वो लो। बटरफ्लाई ज़रूर लाना, बटरफ्लाई लड़कियों की पहली पसंद है, बटरफ्लाई जैसे यूनिकॉर्न होता है बटरफ्लाई, इस तरह के स्टोन्स हो गए अलग अलग, और बड़े स्टोन्स हो गए, बड़े वाले ऐसे कह रहे थे ये स्टोन 30 रुपये सेल होता है एक पत्ता ही वाला, इस तरह के ये मोटे स्टोन ही होते हैं 30 रुपये का पत्ता। तो ये चीज़ें लानी है आपको, कैंची भी बताया था पिछली बार ला के रखनी है। देखो पिछली बार आपको रंगोली कलर दिखाया था मैंने, ये वाला स्कूल के लिए कम रेट का जाता है। इसके बाद मैं और लाया हूँ ये थोड़ा बड़े वाला, जो मैंने आपको बताया था पैकेट आता है अलग अलग का, ये थोड़ा बड़ा पैकेट है देखिए ये वाला, इसमें हर कलर मिलेंगे सारे, लेकिन पूरा पैकेट ही आता है ये वाला। और एक आपको मैंने बॉक्स वाला दिखाया था डिब्बे वाला, ये पड़े हैं ये वाले, और एक दिखाया था मैंने आपको पेस्टल वाला, वो यहीं के पड़ा होगा ध्यान नहीं। फिलहाल रंगोली कलर स्टॉक करके शुरू कर देना स्टॉक, क्योंकि दिवाली पे एंड तक इतना बिकता है ना रंगोली में, आपको स्कूलों में तो जाएगा, लोग अपने मंदिरों के आगे घरों के आगे ये बहुत बनाते हैं रंगोली, तो आपको रंगोली कलर का स्टॉक फुल रखना है। ये चीज़ें तो 12 महीने बिकने वाली है, लेकिन बाद में कम बिकते हैं, लेकिन दिवाली के टाइम पर इतनी बिकेंगी ना अगर आपकी दुकान पर रंगोली नहीं, कस्टमर हर चीज़ से वापस जाएगा। रंगोली होनी चाहिए, मेन बेस है रंगोली हमारी दिवाली का। और आपको सेलो टेप बता रखी है मैंने, 2 इंची वाली तो बहुत ही ज़्यादा चलती है, फिर लोग पैकिंग के लिए ले जाते हैं एक ये वाली 10 रुपये वाली, इसमें 15 वाली, फिर डबल टेप चलती है, बड़ी वाली सेलो टेप, ब्राउन टेप, ये सब चीज़ें चलती है हमारी, तो सेलो टेप की तो अच्छी खासी ही सेल होती है इसमें। और पैकिंग पन्नी मैंने आपको बता रखी है, पैकिंग पन्नी की बहुत सेल होती है, कल भी मैंने अच्छे खासे पैकेट बेचा पैकिंग पन्नी के, और लेके आऊँ देखिए ये बहुत सारी पैकिंग पन्नी कलर, देखिए पूरे पूरे पैकेट बिकते हैं ये पैकिंग पन्नी की। जैसे लोग हैं उन्हें पता 10 गिफ्ट हमने बांटने, हम बाहर से क्या पैक कराएंगे, वो गिफ्ट पन्नियाँ ले जाएंगे आपसे। इसकी क्या होगा, आप 10-10 की गट्टी बना के रखना, मैं क्या करूँगा 10-10 पन्नियों के रोल बना के रख लूँगा, क्योंकि निकालने में क्या होता है पन्नी इतनी पतली होती है एक के साथ दूसरी चली जाती है, तो आराम आराम से गिन के मैं इसके 10-10 के रोल बना के रखता हूँ, मतलब 10 पन्नी का रोल, 50 रुपये का एक रोल, उसमें 10 पीस होते हैं, 5 रुपये का एक पीस के हिसाब से, तो आपको 10-10 पीस के रोल बना के रखने हैं इसके, वरना दिवाली के टाइम पे इतना बिजी रहोगे तो दिक्कत रहेगी सामान काम करने में। तो इन सबके आपको अलग अलग पन्नियाँ ला के इनके रोल बना के रखने हैं। और बैलून मैंने आपको बता रखे हैं, बैलून सबसे ज़्यादा बिकता है 50 बिक्री का, 60 है 60 बेचो, चाहे 50 बेचो, चाहे 55 बेचो, सबसे ज़्यादा ये बिकता है। फिर 15 रुपये वाला आपको पीछे दिखाया था वो भी बिकता है, इतने छोटे बड़े, तो अपने हिसाब से बैलून के पैकेट लाने हैं, मंदिरों में लोग सजाते हैं, ये चीज़ तो हमारी अच्छी खासी चलती है, राखी में, जन्माष्टमी में, सब चीज़ों में बैलून तो यूज़ होते हैं, बर्थडे के लिए भी लोग ले आते हैं, इसलिए बैलून का स्टॉक तो आप हमेशा रखें। इस तरह की थर्माकोल बॉल भी लग रही है ग्लिटर वाली, है देखिए ऐसी हो गई, इसमें सिंपल हो गई ऐसे वाली, और इसमें कलर वाली होगी, कई चीज़ होगी। फिर एक अगली आइटम है कॉटन, कॉटन जरूर ला के रखनी है आपने, इसमें 5 रुपये 10 रुपये बिक्री की कॉटन आती है, 10 वाली ज़्यादा बिकती है, 5 वाली कम बिकती है, मेरे पास 5 वाली पड़ी है काफ़ी, तो मैं 5 वाली बेचूंगा, तो आपने कॉटन भी ला के रखनी है, स्कूलों में ही जाती है ये भी काम, आर्ट एंड क्राफ्ट के काम के लिए, तो कॉटन के 10 वाले पैकेट लिया ना, ये सब बिक जाएंगे आपके, आपको पता नहीं लगा कब माल बिक गया आपका। फिर ये बर्ड्स भी मैंने दिखा रखे हैं, ये बच्चों की पेंटिंग करने के काम आते हैं, मतलब बर्ड्स की 5 ये की वो गुच्छी बना के ना ऐसे पेंट में डुबो के ऐसे पेंट बनाते हैं, छोटे बच्चों की प्रैक्टिस के लिए होता है पेंट की, तो ये बर्ड्स के भी आपने ला के रखने हैं, 10 वाला 20 वाला जो भी आपकी मर्जी हो वो लियाओ, इसमें कोई ऐसा नहीं है पर्टिकुलर कि आपको 10 और 20 वाला ही लाना है, 10 वाला मिले 10 वाले लियाओ, 20 वाला सेल का मिले 20 वाला लियाओ, क्योंकि 10 वाला जल्दी ज़्यादा बिकेगा बच्चों के लिए, तो बर्ड्स भी आपको ला के रखने हैं। फिर आती है क्राफ्ट डोरी, क्राफ्ट डोरी क्या होती है, इस तरह के धागे, अब मैं आज और लाया हूँ ये वाले, ये देखिए आज और लाया हूँ ये अलग वाले, ये 15 रुपये बिक्री का होता है क्राफ्ट डोरी, ऊन के गोले ज़रा महंगे होते हैं, तो जिन्हें थोड़ा चाहिए वो ये लेके जाएंगे अलग अलग तरीके के, ये क्राफ्ट डोरी होती है, सब आर्ट एंड क्राफ्ट में आते हैं स्कूलों में काम में, तो ये चीज़ें भी बीच में चलती रहती है और दिवाली के टाइम तो ज़्यादा ही चलेंगी, जो भी चीज़ें दिखा रहा हूँ ये आपको ला के रखनी है। तो दोस्तों वीडियो ना मैं पूरी एकदम ऐसी बनाता हूँ कि आपको किसी तरह का कोई लॉस ना हो, और मैं बार बार यही कहता हूँ कि मेरा रहता है कि आपके पैसे जहाँ लगे वो अच्छी जगह लगे, कि आपका लॉस ना हो, किस तरह का आपका पैसा फंसे ना, बार बार मेरा यही रहता है, मैं नहीं चाहता किसी का पैसा फंसे, बंदा के यार बंदे ने पैसा फंसा दी, बहुत सोच सोच की चीज़ें बताता हूँ, बहुत सोच सोच के। एक चीज़ और है मैं आपको दिखा दूँ, मेहंदी, मेहंदी क्या है राखी पे भी चलती है भैया दूध पे भी चलती है, मेहंदी जरूर लानी है, यह है मेहंदी कावेरी की, ये कुहू की भी आती है लेकिन कावेरी नाम से बिकती है ये वाली कावेरी, 10 रुपये की सेल में आती है ये, भैया दूध तक बिकती है, अब दिवाली पे बहुत बिकेगी, और जैसे करवा चौथ भी बहुत बिकी थी मेरी, तो ये मेहंदी जरूर ला के रखनी है, ये हमारे फेस्टिवल के में तो आप रेगुलर रखो दुकान पे, 12 महीने ही चलती है ये आइटम, और स्टेशनरी की दुकान पे बहुत ही ज़्यादा बिकती है ये। और ये बिजली वाली टेप आपको दिखा रखी है मैंने ये वाली, ये बिजली वाली टेप भी जरूर लानी है, ये भी 12 महीने बिकने वाली चीज़ है, और ये चीज़ें है ना स्टेशनरी की दुकान पर ज़्यादा ही चलती है ये। ये वाले सेल वाले कैंडल होते हैं, कल स्कूल में प्रोग्राम था यहाँ पर, लगभग मेरे सारे बिक गए, यही रह गए 3-4 और 2-3 इस दूसरे डिब्बे में पड़े होंगे, इसमें 2-3 पड़े होंगे इसमें, तो लगभग सारे बिक गए हैं। ये इस तरह का होता है, इसमें 3-4 क्वालिटी आती है, 20 रुपये 30 रुपये 40 रुपये सेल में, तो
तो मेरे पास पड़े तो मैंने खत्म कर दिए सारे, निपटा दिया। भैया कि जिनके साल खत्म हो गए वो पड़े हैं, तो ये मटकी वाले दिए भी चलते हैं, ये आपकी मर्जी है, आपने रखना हो तो आपकी मर्जी है इस तरह के आइटम। लेकिन जो मैं आपको स्टेशनरी के आइटम दिखाता हूँ ना, ये आपने प्रॉपरली रखनी है तभी कस्टमर आएगा, वरना एक भी चीज़ अगर नहीं मिली तो कस्टमर कोई सामान नहीं लेगा। इसलिए आपको सब आइटम रखनी है। बस यह है कि मैं आपको टाइम टू टाइम वीडियो बना के देता रहता हूँ कि आपको हर चीज़ आपके हिसाब से आप उस सामान को लें। लेकिन अब जो मैं वीडियो आपको बना के दे रहा हूँ, आपने मोमबत्ती वगैरह कैंडल वगैरह ही ला के रखने हैं, और हर सामान फैब्रिक कलर की भी आपने फुल वैरायटी रखनी है। जो ये वाले हैं वाले जो कलर है इसकी आपने फुल वैरायटी रखनी है, कलर की वाइट ब्लैक रेड येलो डार्क येलो लाइट येलो डार्क ग्रीन लाइट ग्रीन स्काई ब्लू ब्लू ये तरह। तो आपने पूरा स्टॉक रखना, ग्लिटर का भी आपने ला के रखनी जो मैंने दिखाई थी। दोस्तों थक गया हूँ बोल बोल के। वीडियो मेरी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।